नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। प्रमंडलीय सभागार में कमिश्नर वंदना किनी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। लंबित पड़े राशन कार्ड मामले का निष्पादन के दिए निर्देश। जिले में नहीं थम रहा अवैध शराब का कारोबार। जगदीशपुर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ युवक को किया गिरफ्तार। भीषण जल संकट को देखते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की समीक्षा बैठक। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या समाधान के दिए निर्देश। भागलपुर के कुप्पा घाट आश्रम में मनाई गई महर्षि मिहि महाराज की पुण्यतिथि। भजन कीर्तन सहित कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और ईद की आहट से भागलपुर का बाजार हुआ गुलजार। देर रात तक लोगों ने की जमकर खरीददारी। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर प्रमंडलीय सभागार में मंगलवार को कमिश्नर वंदना किनी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसडीओ आशीष नारायण, जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी डीएपीआरओ बिंदुसार मंडल सहित खाद्य आपूर्ति विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को 30 जून तक जिले के सभी पेंडिंग राशन कार्ड की जाँच कर लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कमिश्नर किनी ने पेंडिंग राशन कार्ड को लेकर नाराजगी भी जताई। भागलपुर के जगदीशपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजीव कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि बांका से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप भागलपुर पहुंचाई जा रही है। प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सन्हौला मोड़ पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने झारखंड से बांका होते हुए भागलपुर आ रही पिकअप वैन से विभिन्न ब्रांड के 98 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया। गिरफ्तार युवक अमित कुमार भागलपुर इशाक चक्का रहने वाला है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान डीएम ने मुख्यमंत्री जल नल योजना और गली नाली योजना के साथ सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की। डीएम ने जिले में भीषण जल संकट को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल जल योजना को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। वहीं शहरी क्षेत्र में भीषण जल संकट को देखते हुए पैन इंडिया के अधिकारी को जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में डीपीआरओ बिंदुसार मंडल सहित कई प्रखंडों के बीडीओ, सीओ और सात निश्चय योजना से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर के कुप्पा घाट स्थित महर्षि मिहि आश्रम में महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज की 33वीं और महर्षि परम संत सेवी जी महाराज की 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सन 1986 में महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया था, जबकि सन 2007 में महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने देह त्याग दिया था। पुण्यतिथि को लेकर मंगलवार को मिहि आश्रम में परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। सुबह से ही ध्यानाभ्यास सत्संग के साथ गुरुदेव एवं संत देवी जी के समाधि स्थल पर, गुरु प्रेमियों और आश्रम में समाधि स्थल पर दिन भर श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहा और सबों ने गुरु के दर्शन कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भजन कीर्तन भंडारा एवं प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आश्रम के भागीरथ बाबा, प्रमोद बाबा, डॉक्टर गुरु प्रसाद बाबा समेत कई संतों एवं गुरु सेवियों ने गुरु के संदेश और मानव जीवन में सत्संग के महत्व को बताया। कार्यक्रम का आयोजन संत मत सत्संग समिति की ओर से किया गया। सब्र और इबादत से पुरनूर रमजान माह खत्म होने की दस्तक के साथ ईद पर तरह तरह के पकवान और खास तौर पर सेवई बनाने की तैयारी पूरे शवाब पर है। लोग कपड़े से लेकर सेवई, मेवे और इत्र खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। ईद उल फितर को लेकर बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से लेकर देर रात तक भागलपुर का बाजार गुलजार है, तो वहीं ईद के मौके पर ततारपुर में लगने वाली दुकानों में गाँव से लेकर शहरी क्षेत्रों के लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पूरा बाजार ग्राहक से खचाखच भरा है और ईद की आहट के साथ बाजार की रौनक बढ़ गई है। लोग ईद की सेवई खरीदने में मशगूल हैं, तो कोई टोपी, पजामा और कुर्ता। ईद को लेकर इस बार भागलपुर में इत्र की कई किस्में उपलब्ध है। दुकानदार की माने तो बाजार में 20 रुपये से लेकर 2000 तक का इत्र उपलब्ध है, जबकि इस बार ईद के मौके पर भागलपुरी चप्पल, नागराज जूता और लखनवी जूती की धूम मची है। इस बार पिछले साल की तुलना में बाजारों में अधिक रौनक है। शेरवानी, शरारा, लॉन्ग सूट, गाउन सूट, पंजाबी कुर्ता की मांग बढ़ गई है।
भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती के निर्देश पर जिले भर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान तिलका मांझी थाना पुलिस के द्वारा तिलका मांझी चौक पर वाहनों की सघन तलाशी ली गई, साथ ही हेलमेट सहित गाड़ी के कागजात की भी जांच की गई। इस दौरान दर्जनों वाहन मालिकों से ट्रैफिक नियम पालन नहीं करने पर जुर्माने की राशि वसूली गई। साथ ही नए निर्देश के तहत बिना हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वालों की भी शिनाख्त की गई। नए निर्देश के तहत 3 से अधिक बार बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान तय किया गया है। तारापुर की पूर्व विधायक नीता चौधरी का अंतिम संस्कार भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा घाट पर मंगलवार को किया गया। नीता चौधरी को उनके बड़े पुत्र रवि प्रकाश ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार से पूर्व पुलिस प्रशासन की ओर से सलामी दी गई। गौरतलब हो कि पूर्व विधायक नीता चौधरी तारापुर के वर्तमान विधायक मेवालाल चौधरी की पत्नी थी और 27 मई की रात को किचन में रसोई गैस लीक होने के कारण नीता चौधरी आग की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गई थी। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 2 जून को उनकी मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार के दौरान अमरपुर विधायक जनार्दन मांझी, सुल्तानगंज विधायक सुबोध राय, त्रिवेणी महतो, विजय सिंह, अनिल वैद्य समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। भागलपुर सिटी डेवलपर्स भव्य शुभारंभ, वृंदावन नगरी फेज 2, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर उपलब्ध। 2 कट्ठे के प्लॉट्स मात्र 200 और 250 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से, स्टेट हाईवे के साथ 20 फीट चौड़ी सड़क, नाली, बिजली, पार्किंग की सुविधा के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। भागलपुर सिटी डेवलपर्स, योर कंसर्न इज माय प्रायोरिटी। भागलपुर सिटी डेवलपर्स, 0 माइल स्मार्ट सिटी भागलपुर। संपर्क करें 7545000091। सबका है सपना, भागलपुर सिटी में हो घर अपना। किसान अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसान अगरबत्ती, धरती पर जले आकाश तक महके। ईद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर शहर के चौक चौराहों पर पुलिस बल लगातार गश्ती कर रहे हैं। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बाजारों में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए भागलपुर ततारपुर चौक पर 3 पालियों में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। थाना प्रभारी सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि त्योहार के दौरान असामाजिक पर पुलिस की पैनी नजर है। भागलपुर नाथनगर प्रखंड मुख्यालय में खरीफ महाअभियान के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को श्री विधि, बीज टीकाकरण, जैविक विधि से खेती, वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी जांच और सिंचाई से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ के लिए किसानों को पंजीकरण कराने और कम खर्च पर अधिक पैदावार के लिए वैज्ञानिक विधि से जैविक खेती करने की बात विशेषज्ञों ने कही। इस अवसर पर सीओ राजेश कुमार, वीडियो राकेश कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी रजनी रंजन रजक के अलावा कृषि वैज्ञानिक, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, किसान एवं जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। प्रशिक्षण में जो योजनाएं बिहार सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित हैं उसकी जानकारी दी जाती है, नई वैज्ञानिक तकनीक की जानकारी दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र या सबौर कृषि महाविद्यालय से वैज्ञानिक आते हैं, वो भी नई तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं। और जो आज की जो समसामयिक चर्चा होती है, किसानों की जो समस्याएं होती हैं उनकी जानकारी दी जाती है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र कौशलपुर गांव निवासी किराना व्यवसायी आनंद मोदी और उनके भाई संतोष मोदी एवं निशु मोदी से रविवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने सिहुड़ी गांव के समीप पिस्तौल की नोक पर 70,000 लूट कर फरार हो गए। घटना को लेकर पीड़ित दुकानदार आनंद मोदी ने कहा कि अमरपुर वार्ड नंबर 12 काली स्थान गली में उसकी किराने की दुकान है और रोज की तरह वह दुकान बंद कर बाइक से भाई के साथ कौशलपुर घर जा रहा था। तभी रास्ते में बाइक सवार 6 बदमाशों ने पैसे से भरा बैग लूट लिया। घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना पुलिस सक्रिय हुई और मामले की छानबीन करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सब भागा एकदम कटोरिया तरफ,
फिर हम लोग उसका पीछा किए, हम गाड़ी मंगवाए अपना, गाड़ी मंगवा के फिर हम लोग चल गए वहाँ। वो कहें कि चलो तो जरा देखिए यहाँ कहीं धनी चक्कर तो छिड़बे करे सब, तो वहाँ उसका जो है मंदिर वहाँ तक गए। वहाँ जाने के बाद कोई नहीं दिखा, वहाँ से फिर घूम गए, तब थाना गाड़ी में किस एगो को तो पहचान रहे शक्तिया है। ईद पर्व को लेकर भागलपुर विश्वविद्यालय थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष संजय सत्यार्थी ने की। शांति समिति की बैठक में मुख्य रूप से ईदगाह और मस्जिदों में होने वाले नमाज को लेकर चर्चा की गई। थाना अध्यक्ष ने ईद को भाईचारे के साथ मनाने की बात कही। संजय सत्यार्थी ने बताया कि ईद को लेकर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सभी मस्जिदों के समीप पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। बैठक में पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद पोपल, कामेश्वर यादव, मानिक पासवान, पार्षद अभिषेक समेत कई लोग मौजूद थे। बांका के अमरपुर थाना परिसर में ईद को लेकर अंचलाधिकारी मिथिलेश कुमार यादव की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंचलाधिकारी ने लोगों से आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्व ईद मनाने की अपील की और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने की बात कही। इस दौरान पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने और किसी अप्रिय घटना की सूचना अविलंब पुलिस को देने का निर्देश दिया। बैठक में समिति के सदस्यों ने भी शांतिपूर्ण ढंग से ईद पर्व संपन्न कराने को लेकर कई सुझाव भी दिए। इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य इरफान खान, प्रमुख पति परमानंद दास समेत कई सदस्य एवं ग्रामीण मौजूद थे। सरकार चाहे लाख वादे कर ले विकास कार्यों की, लेकिन अब तक कई ऐसे गाँव हैं जहाँ मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने राज्य के हर गांव को सड़क से जोड़ने का दावा तो किया, लेकिन भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के सन्हौला प्रखंड स्थित बेलढिया गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम आज तक अधूरा है। आज़ादी के 70 साल बाद इस गांव के लोग कच्ची सड़क से आवागमन करने को मजबूर हैं। खासकर बारिश के दिनों में कच्ची सड़क पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे वाहनों के परिचालन के साथ पैदल राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में सड़क की हालत और भी खस्ता हो जाती है, जब कच्ची सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे में जल जमा हो जाता है। लेकिन आज तक लोगों की समस्या पर जिला प्रशासन की नजर नहीं पड़ी है। गोराडी प्रखंड के मुरहन पंचायत वार्ड नंबर 9 के लोग इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। वार्ड के सभी हैंडपंप खराब पड़े हैं। पानी की समस्या के कारण लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। पीएचईडी विभाग को सूचना देने के बाद विभाग द्वारा महज खानापूर्ति कर पल्ला झाड़ लिया गया। यहाँ के लोगों को सुबह होते ही पानी की चिंता सताने लगती है। समस्या इतनी गंभीर है कि बच्चों का पूरा दिन दूर दराज से पानी लाने में गुजर जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। इलाके में पशुओं के लिए भी पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, लेकिन जीविका का साधन होने के कारण ग्रामीणों को मवेशियों के लिए भी पानी ढोकर लाना पड़ता है। इस भीषण जल संकट को लेकर ग्रामीण आंदोलन की तैयारी में है। कहलगांव के सन्हौला बेलगोरिया गांव में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर मोहिबुल्ला के द्वारा दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। दावत में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने मगरिब की नवाज अदा की। इस मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री इम्तियाज खान, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद फारूक आजम, राजकुमार चौधरी, बंटी राजा इत्यादि सैकड़ों संख्या में दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। प्रमंडलीय सभागार में कमिश्नर वंदना किनी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। लंबित पड़े राशन कार्ड मामले का निष्पादन के दिए निर्देश। जिले में नहीं थम रहा अवैध शराब का कारोबार। जगदीशपुर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ युवक को किया गिरफ्तार। भीषण जल संकट को देखते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की समीक्षा बैठक। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या समाधान के दिए निर्देश। भागलपुर के कुप्पा घाट आश्रम में मनाई गई महर्षि मिहि महाराज की पुण्यतिथि। भजन कीर्तन सहित कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और ईद की आहट से भागलपुर का बाजार हुआ गुलजार। देर रात तक लोगों ने की जमकर खरीददारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए सिल्क टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।